हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरम्स को सिखाने जा रहा हूँ। तो नेटवर्क थ्योरम्स में सबसे पहले हम सीखेंगे थेवनिन्स थ्योरम के बारे में। तो थेवनिन्स थ्योरम क्या है एंड कहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं एंड क्यों अप्लाई करते हैं। सो आज की जो वीडियो का कंटेंट होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें आएगा स्टेटमेंट ऑफ थेवनिन्स थ्योरम, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कि हम स्टेप बाय स्टेप थेवनिन्स थ्योरम को सॉल्व कैसे करते हैं, एंड लास्ट में मैंने आपको प्रॉब्लम दी है तो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कमेंट सेक्शन में आपने पोस्ट करना है। जो थ्योरम्स होती हैं, नेटवर्क थ्योरम्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको थ्योरम्स नहीं आती तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत लैग कर जाएंगे अपने दूसरे साथियों से जिनको थ्योरम्स आती हैं। सो आपको थ्योरम्स को सॉल्व करना, थ्योरम से जो नेटवर्क को सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान वे से, बहुत ही आसान तरीके से नेटवर्क के थ्योरम्स को सॉल्व करना सिखाया है, और मेरे को इतना यकीन है कि आप आराम से अगर सारी वीडियो को देखते हैं तो थेवनिन्स थ्योरम से रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को सारा देखना और ध्यान से देखना और समझना कि मैं क्या क्या चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो उसका जो यूज़ करके आपने लास्ट में जो प्रॉब्लम दी गई है उसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि थेवनिन थ्योरम्स कहती क्या है। एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर, आपने आपको मैंने सबसे पहले, तो हम बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल का मतलब होता है जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अगर हम करंट को एक डायरेक्शन से फ्लो कराएंगे फिर भी कर जाए, अगर दूसरी डायरेक्शन से फ्लो कराएंगे फिर भी कर जाए, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना हो तो फिर भी कर जाए, अगर इस डायरेक्शन से फ्लो कराना हो फिर भी कर जाए, उसकी कोई भी जो करेक्टरिस्टिक्स है चेंज ना हो, दोनों डायरेक्शन में जो करंट की करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज के रिलेशन में सेम रहे। और दूसरा लीनियर, लीनियर का मतलब होता है कि हमारे पास जो सर्किट है वो जीरो से स्टार्ट हो और ऐसा ऐसा ग्राफ बने। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको ये नहीं पता, बायलेटरल एंड लीनियर का नहीं पता, तो आप मेरी जो पुरानी वाली वीडियोस को देख सकते हैं और इन इनको डिटेल्स में सीख सकते हैं, मैं इसमें डिटेल नहीं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, जी हमारे पास एक सर्किट है, पूरा पूरा एक सर्किट है, इसको हमने रिप्लेस करेंगे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से एंड सीरीज रजिस्टर से, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, आप ज्यादा परेशान ना होना कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले एक बार फिर स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास टू टर्मिनल नेटवर्क है, सर्किट है, जैसे ये देखिए, टू टू का मतलब होता है कि हमारे पास जो ये देखिए वन टर्मिनल एंड टू टर्मिनल, और इसमें मैंने एक लोड रेजिस्टेंस को लगा दिया है, ठीक है। इसको कहते हैं बायलेटरल का मतलब, आपकी आपको मैंने समझा दिया है। लीनियर का भी आपको अगर नहीं पता, आपने डिटेल में सीखना है, तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में, जब स्टार्टिंग वीडियो जब सर्किट को करवाना शुरू किया था ना, उस टाइम मैंने सबसे पहले वही वीडियोस बनाई थी, तो आप उसको देखिए और सीखिए। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो हमने सारे सर्किट को रिड्यूस कर कर एक वोल्टेज सोर्स में बदल देना है एंड एक सीरीज में रजिस्टर में बदल देना है, तो इसको रिड्यूस करेंगे। आप एक और चीज सीखिए कि जो थेवनिन थ्योरम होती है वो क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि हम किसी भी, अगर हमने सारे सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक ब्रांच में इसका करंट फाइंड करना चाहते हैं कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो उसको हम थेवनिन थ्योरम से निकाल सकते हैं। सारा सर्किट को, मतलब सारे सर्किट की ब्रांचेस में करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको। इससे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है बहुत ही आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और जो आंसर है वो भी जल्दी आ जाएगा, एफिशिएंटली आप उसको निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जे वाला हमारे पास सर्किट है, इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टेप क्या है,
हमने ये वाला सर्किट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपने मतलब आगे सीखना है तो ये वाला सर्किट आपके जो ये वाली सर्किट की इमेज है आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली सर्किट की इमेज ना बैठी तो मेरे को आपको पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये क्या है, दो टर्मिनल है, इसमें क्या लगा था, लोड, लोड को रिमूव कर देना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जिस ब्रांच में से हमने करंट को फाइंड करना है उसको हमने रिमूव कर देना है और उसका जो सर्किट है ओपन सर्किट बना देना है इसको। जैसे जे वाली ब्रांच में मैंने करंट फाइंड करना था तो मैंने इसको ओपन कर दिया, इसकी जो आरएल है लोड रेजिस्टेंस उसको रिमूव कर दिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने जिस ब्रांच में से करंट को फाइंड करना है उसमें से क्या करना है कि हमने उस ब्रांच को रिमूव कर देना है। सेकंड, अब हमने क्या करना है कि जो ओपन सर्किट है इसके सामने देखिए, इसके सामने कौन सी रेजिस्टेंस है, हमने लोड जो वोल्टेज को निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी है इसके थ्रू, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसको हमने निकालना है, और उसको क्या बोलते हैं, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, थेमिनिन वोल्टेज, ETH, थेमिनिन वोल्टेज, और इसको एक और नाम है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, आप ओपन सर्किट वोल्टेज भी कह सकते हैं, इसको थेमिनिन वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमने इसके सामने क्या है, अगर हम सर्किट देखते हैं, सर्किट हमारे पास ये वाला बनेगा, ये बन गया R3 एंड ये बन गया R2, ध्यान से देखिए, और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज देखनी है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज देखनी है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वोल्टेज अक्रॉस R2 कितनी आ गई, I2 इंटू R2, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है R2 के अक्रॉस, वो हमने फाइंड कर ली I2 R2। और इसके बाद हमने थेमिनिन वोल्टेज को निकाल लिया, इसको कैसे निकाला, ये वाली है हमारे पास वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है, और जो जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें से भी जो हमारी आप देख सकते हैं इसमें से भी कोई ना कोई ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, जो सभी हमारी रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर दिया R1, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा इसमें से फ्लो करेगा, ठीक है, R1, स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R2, तो हमने किसके क्रॉस करंट फाइंड करना था, R2 के, I2 हमने निकाल लिया ना, ये वाली वैल्यू किसकी है, I2 की है, I2 आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे करंट जब फ्लो करेगा, क्लोज पाथ है क्योंकि इधर तो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया ओपन है, इसलिए करंट आगे गया ना, तो जो क्लोज पाथ मिला उसमें से करंट I2 निकाल लिया, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, E डिवाइडेड बाय R स्मॉल R प्लस R1 प्लस R2, I2 की वैल्यू इंटू R2, ये आपका क्या आ गया, ETH आ गया, इसको क्या कहते हैं, थेमिनिन वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स था उसको रिप्लेस कर दिया उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, इंटरनल रेजिस्टेंस R था उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं इसको हमने रिप्लेस कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती तो हमने क्या करना था, इसको शॉर्ट सर्किट कर देना था, अगर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ना होता, करंट सोर्स होता, तो हमने क्या करना था, इसको ओपन सर्किट कर देना था, इसको क्लोज नहीं करना था, शॉर्ट नहीं करना था, इसको ओपन सर्किट कर देना था। अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो क्या करेंगे, हम उसको उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट ही रहने देंगे। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर करंट सोर्स होता तो मैंने क्या करना था, इसको ओपन ही रहने देना था, जब मतलब हमने RTH निकालना था, थेमिनिन रेजिस्टेंस निकालना था, तो थेमिनिन रेजिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस, हमने वोल्टेज बैटरी को जो मतलब वोल्टेज सोर्स है उसके उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, तो हमने देखना कहाँ से है, जिधरली साइड से हमारे पास क्या लगा है, लोड रेजिस्टेंस उसको हमने रिमूव किया, उससे हम देखेंगे नेटवर्क की तरफ और हम क्या सॉल्व कर लेंगे, हमारी RTH को निकाल लेंगे, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, उसको निकाल लेंगे। कैसे, देखिए आप देख सकते हैं सीरीज में क्या है, सबसे पहले R3 है, सीरीज में क्या था R3 है,
अब यहाँ पर क्या हुआ, जो करंट है हमारे पास जो R3 से निकला, उसको हमने दो डिवाइड कर दिया। जहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं उसको हम पैरेलल मानते हैं। अगर हमारे पास एक सर्किट है, ऐसे हमने सर्किट बना लिया, अगर हमारे पास दो रास्ते निकलेंगे, दो रास्ते निकले, ठीक है, दो रास्ते निकलते हैं, तो वो क्या हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया। अगर हमारा करंट डिवाइड हो जाए तो ये पैरेलल बन गया हमारा सर्किट, तो इससे क्या होगा, जे दोनों प्लस हो जाएंगी, जे पैरेलल में आ जाएगी। तो मैंने सॉल्व करके क्या लिख दिया, आर प्लस आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वन प्लस आर टू। तो इससे हमें क्या मिला, हमारी थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस सर्किट को, अब देखिए पहले वाले सर्किट को देखिए, ये वाला सर्किट था हमारे पास, हमने अब सारे सर्किट के किससे रिप्लेस कर दिया, ईटीएच के साथ रिप्लेस कर दिया, थेवेनिन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, एंड आरटीएच के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जहां पर आरटीएच की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी वो भी आपके पास है, एंड ईटीएच की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी वो भी आपके पास है। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, हम लोड को कनेक्ट कर देंगे। जहां से हमने लोड को रिमूव किया था, वहां से ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हमने RL को कनेक्ट कर दिया। तो हम अब अपना करंट निकालते हैं, करंट कितना है उस ब्रांच में से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या निकालना था, RL के थ्रू करंट कितना है। तो आप सिंपली यहाँ पर ओम्स लॉ लगाइए और देख सकते हैं आप, ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू करंट किसके इक्वल होता है, V डिवाइडेड बाय R। तो R क्या है, सीरीज में है सर्किट, ये सर्किट सीरीज में है, इसलिए RTH प्लस RL, RTH प्लस RL कर दिया, ETH डिवाइडेड बाय RTH प्लस R। तो आपका जो करंट आ जाएगा उस ब्रांच में से कितना फ्लो हो रहा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करना बताया है, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से मैंने एक प्रॉब्लम जहाँ पर लिखी हुई है, आप जो स्टेप पीछे आपने सीखे हैं, जो मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं, उनको यूज़ करके आप इस नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है बढ़िया हो जाएगी, आपको समझ लग जाएगी कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे थ्योरम को सॉल्व करना है। सो, आप इसको सॉल्व कीजिए और जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।